नमस्कार दोस्तों, वैसे लोग जो 5G की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक खुशी की न्यूज़ है। दोस्तों यहाँ हम बताते चलें कि 3 से 6 महीने के भीतर भारत में 5G की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसके लिए लगभग सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी ही होने वाली है। कुछ प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरटेल 5G नेटवर्क की टेस्टिंग पूरी कर चुका है। रिलायंस जियो ने भी ऐसा ही दावा किया है। ऐसे में स्पेक्ट्रम खरीदे जाने के 3 से 6 महीने के भीतर देश में 5G सेवाएं शुरू हो सकती है। 5G स्पेक्ट्रम के 9 फ्रीक्वेंसी बैंड भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी दूरसंचार कंपनियों के बीच नीलाम किए जाएंगे। दोस्तों 5G में इंटरनेट की स्पीड 10,000 MBPS होगी। अभी तक 4G की इंटरनेट स्पीड 100 MBPS प्रति सेकेंड होती है, जबकि वहीं 5G सेवा में इंटरनेट स्पीड 10,000 प्रति MB प्रति सेकेंड होगी। बैंडविड्थ की बात करें तो 4G में 200 MB प्रति सेकेंड होती है और 5G में 1 GB प्रति सेकेंड होती है। एवरेज स्पीड की बात करें तो यह 4G में 25 MB प्रति सेकेंड होती है, जबकि 5G में 200 MB से 400 MB प्रति सेकेंड होगी। भारत में 3 से 6 महीने के भीतर जो 5G सेवा है वह शुरू होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है और यह स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में शुरू होगी, जो कि 26 जुलाई 2022 को इसका डेट रखा गया है। सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 MW स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। 5G की नीलामी आरक्षित मूल्य पर करने की मंजूरी दी गई है। सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जा सकेगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का भी विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते उनका कोई बकाया न हो। इस नीलामी में अधिग्रहित स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके तहत जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों वैसे लोग जो 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का इंतजार अब ख़त्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि 3 से 6 महीने के भीतर 5G की शुरुआत भारत में होने जा रही है। तो दोस्तों 5G सेवाओं से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।